हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैंने कोशिश करी है कि मैं बहुत ही प्यारा सा छोटा सा और ज़ीरो कॉस्ट में आपको ऑर्गेनाइज़र बना के दिखा सकूं, क्योंकि आपने मेरे प्रीवियस वीडियो को इतना पसंद करा है जिसपे मैंने बहुत ही कम बजट में अपनी पूरी वार्डरोब को मेकओवर करा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम कुछ इसी तरह के ऑर्गेनाइजर्स बनाएं जिसमें कुछ भी कॉस्ट ना हो और हम अपनी वार्डरोब को भी अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकें। तो फ्रेंड, आज से मैं कोशिश करूंगी कि कुछ इसी तरह के ऑर्गेनाइजर्स आपको बना के दिखाऊं जिसे आप आसानी से बना सको, क्योंकि देखिए मार्केट में तो बहुत ही कॉस्टली आते हैं। लेना तो बहुत ही आसान है, आप ले सकते हो, ऑनलाइन ले सकते हो, ऑफलाइन भी ले सकते हो, लेकिन अगर आप उसको खुद से अपने घर पर बना सकते हो तो आपका कुछ भी कॉस्ट नहीं लगेगा और आप अपनी वार्डरोब को अच्छे से ऑर्गेनाइज भी कर सकते हो। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके अलावा मैंने तीन पीसेस लिए हैं 5x6 के। तो अब कटिंग के बाद इसको सिल के दिखाती हूँ। देखिए, जो सबसे पहले हमने 12 इंच लंबी ट्रांसपेरेंट शीट कट करी थी, अब उसी को स्क्वायर पीस से जोड़ लेंगे। एक लेंगे और पहला स्क्वायर इसको अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से नीचे का हमने बेस रेडी कर लिया है। अब इसी स्क्वायर पीस पे हम अपने बाकी दोनों स्ट्रिप्स जोड़ लेंगे और उनको अटैच करने के बाद देखिए इस तरह से इसमें सेंटर मार्क कर लेंगे, क्योंकि हमको इसी में ही अपना स्क्वायर पीस अटैच करना है ताकि उसमें पार्टीशन हो जाए। ये देखिए, इस तरह से इसको हम फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि हमें बस निशान लगाना है। ये देखिए, जहाँ से ये निशान लग गया, अब यहीं पर ही हम अपना स्क्वायर पीस अटैच करेंगे और इसको अटैच करना भी बहुत ही आसान है। ये देखिए, इस तरह से फोल्ड कर लिया तो ये लाइन बन जाएगी। अब इसी में ही पीस रख करके स्टिच कर लेंगे। ये देखिए, अंदर से स्क्वायर पीस अटैच करा है, ऊपर से इसमें सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। जैसे इस तरह से सिलाई लगाइए, वैसे ही दूसरे साइड से भी सिलाई लगा लेंगे तो हमारा एक पार्टीशन बन करके रेडी हो जाएगा। ये देखिए, जैसे ये सिला है वैसे दूसरी साइड से भी सिल लेंगे और लास्ट वाला स्क्वायर पीस भी इसी में स्टिच कर लेंगे। तो देखिए, ये आप अपने हिसाब से पार्टीशन जितने चाहे उतने रख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये इस तरह से रेडी हो जाएगा, है ना, सिंपल, कुछ भी नहीं करना पड़ा आपको। देखिए, बस तीन स्क्वायर पीसेस लगे हैं और बाकी दो लेंथ में लगे हैं। तो अब मैं इसको फिनिश करूँगी इस साटिन रिबन से। आप चाहो तो पाइपिंग भी लगा सकते हो, लेकिन मैं ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहती। मैं सिर्फ साटिन से रिबन से ही इसको यूज़ करके दिखाऊँगी आपको कि साटिन रिबन लगा करके भी बहुत अच्छा से अच्छे से स्टिच हो जाता है। ये देखिए, मैं इस तरह से फोल्ड कर रही हूँ, आधा बैक साइड में रखा और आधा फ्रंट में, तो ये प्रॉपर पाइपिंग की ही तरह लुक लगेगा और साटिन है तो बहुत प्यारा लगेगा। ये देखिए, इस तरह से पूरा अटैच कर लेंगे। जहाँ जहाँ भी आपने स्टिचिंग करी है इसको पूरा ऐसे कवर कर लें और ये जब फिनिश हो जाएगा तब हम इसमें बेस अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए, साइड साइड में लगाने के बाद आप इसको ऊपर भी स्टिच कर लें और इसमें नीचे जो हमारा बेस है उसको भी इसमें अटैच कर लेंगे और इसको फिनिश करेंगे इसमें भी पाइपिंग लगा करके। ये देखिए, जैसे मैं फ्रंट में लगा रही हूँ, फ्रंट में देखिए मैं फोल्ड नहीं कर रही हूँ, मैं प्रॉपर ऐसे ही पूरा पूरा लगा रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से पूरा स्टिच कर लेंगे और नीचे भी इसको फिनिश कर लेंगे। और इसी रिबन से देखिए मैंने हैंडल भी बनाया, मतलब थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया स्टिचिंग करने के लिए और हैंडल रेडी।
हो जाएगा। तो ये देखिए, ये पूरा प्रॉपर बन करके रेडी हो गया है और इसको आप यूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से। ये रहा हैंडल, हैंडल भी बहुत आसान है। जहाँ तक आपने स्टिचिंग करनी है स्टिचिंग कर दीजिए, बाकी थोड़ा सा आगे बढ़ा के छोड़ दीजिए। तो ये देखिए, इसको पकड़ने में आसान रहेगा, आप इसको खींच भी सकते हो इस तरह से, निकालने में भी रखने में भी आसान रहेगा। और देखिए ट्रांसपेरेंट है तो पूरा अच्छे से आपको दिखेगा। और देखिए फिर भी इतने रखने के बाद भी देखिए कितना स्पेस है, आप इसमें और भी कपड़े रख सकते हो। मैंने तो बस आपको आइडिया दिया था कि आप क्या क्या इसमें रख सकते हो। आप इसको अपने वार्डरोब में रख सकते हो, आप इसको टेबल पर भी रख सकते हो, और आप इसको अपने डेस्क को ऑर्गेनाइज करने में भी रख सकते हो। मल्टीपर्पज़ है, आप इसे कई तरह से इस्तेमाल करिए, बहुत काम की चीज़ है, ज़रूर ट्राई करिएगा। और वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी करिएगा। और अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, मैं इसी तरह की यूज़फुल वीडियोस बनाती रहती हूँ। और हाँ, आगे आने वाले फेस्टिवल सीज़न में मैं एक पूरी सीरीज़ लेके आने वाली हूँ जीरो कॉस्ट ऑर्गेनाइजर्स की, तो आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और कुछ भी मिस मत करिएगा, क्योंकि बहुत कुछ अच्छा आने वाला है। तो देन फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।